Good morning, students. Today we'll start with the fresh lesson 1.4, The King's Choice. In last lecture we learn a poem that was in the time of silver rain. जिसमें हम लोग ने बारिश के बारे में we come to know about the rain. What happens when it starts raining after a long time? कैसे वहाँ पे सब all the greeneries are spread over it and we all enjoy the rain. Okay? Especially the children likes to play in the rain. They will stand when it is raining outside to get wet and enjoy the atmosphere, climate, whatever it is. Okay. Today now we will start with the King's Choice. This is a lesson. It's a story. We will read over it first. There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. यहाँ पे एक king के बारे में बताया गया है and that king is a lion. वो कैसा है? He is strong and very fierce. मतलब डरावना. You all know all are afraid of the lion, tiger because they are furious. They just attack and you all and kill the animals or people. So they look very furious and we are always afraid of that. Wild animals. There was once a lion who was a king of the forest. He was big and strong and very fierce. All the other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corner of the forest. All the others, बाकी के जो जानवर थे, all the other animals in the forest who lived there called him the king. यानी उनको राजा करके बुलाते थे और उसको तरह तरह के gifts हर कोने से हर जगह से अलग अलग गिफ्ट वगैरह लाके फॉरेस्ट से उनको लायन को लाके देते थे. बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड. ए किंग मस्ट हैव ए कोट ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे. अभी इंसान को भी देखो लालच रहता है, जितना है उससे वो कुछ नहीं रहता. उनको क्या रहता है कि वो उससे ज्यादा उनके पास हो. वैसे ये लायन को भी लगने लगा कि उसके पास जो कुछ है वो काफी नहीं है, उसको और बहुत कुछ चाहिए. उसकी छाया तो क्या थी, उसको एक कोर्ट होना चाहिए. राजा का दरबार आप लोग ने देखा होगा, उनका अपना दरबार होता है जहाँ पे सारे उसके दरबारी लेके आते हैं, रहते हैं और वहां पे डिस्कशंस होती है. तो ये राजा जो है उसको भी एक दरबार की जरूरत रहती है. तो उसने क्या किया, ही कॉल्ड ए फॉक्स टू हिज साइड. एक फॉक्स को उन्होंने अपने पास बुला लिया. यू आर नोन टू बी वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर, फॉक्स सेड द लायन. आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर. अभी फॉक्स को हम लोग सब लोग बोलते दे आर वेरी कर्निंग, बड़ी ही चालाक होते हैं फॉक्स. तो लायन ने क्या कहा फॉक्स को, तुम तो बहुत वाइज हो, क्लेवर हो, समझदार हो. सेट द लायन आई वांट यू टू बी माय द एडवाइजर. वो क्या चाहता था, लायन क्या चाहता था, ये फॉक्स उसके एडवाइजर बने. एडवाइजर मीन सलाहकार, जो सलाह देता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करेगा तो कैसे फायदा होगा, इस बात का सलाह देने वाले को हम लोग एडवाइजर बोलते. एंड यू आर टू बी अ एडवाइजर. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. अभी फॉक्स इस बात से बहुत खुश हो गया, हाँ लायन मुझे एडवाइजर का पदवी देना चाहता है. तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा थैंक यू योर मैजेस्टी. द लायन नेक्स्ट कॉल्ड एलिफेंट टू सेल. अभी दूसरी बार किसको बुलाता है, लेफर्ड को. यू आर नोन टू बी अ वॉचफुल एंड शिफ्ट ऑफ फूड. लेफर्ड आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड. अभी लेफर्ड कैसे होते हैं, वो बहुत तेजी से भागते हैं. तो इसके लिए बोलते तुम बहुत ही वॉचफुल हो. वॉचफुल मतलब दूसरे दूर का चीजें वगैरह देख के भाप लेते हो और भागते भी बड़े तेजी से हो. तो यू बी मे बॉडी गार्ड, तुम मेरा बॉडी गार्ड बनो. फॉक्स को क्या दे देता है, पदवी देता है सलाहकार की, टू बी एडवाइजर. और लेफर्ड को बोल रहा है कि मुझे तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ. नाउ ही इज ऑल्सो हैप्पी. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेट द लेफर्ड बोई लो. अभी लेफर्ड को भी बड़ी खुशी होती है कि लायन ने मुझे अपने दरबार में रखा और मुझे एक पदवी दी है जो है बॉडीगार्ड्स की. एंड इट इज ए वेरी ड्यूटीफुल थिंग टू बी अ बॉडीगार्ड. उसकी द लायन देन कॉल्ड ए वल्चर टू हिज साइड. यू आर ए बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई.
यू हैव टू बी माय मैसेंजर, थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर बोइंग लो। अभी उसने वल्चर को अपने पास बुलाया, उसे क्या कहा, यू कैन फ्लाई हाई, यू कैन फ्लाई हाई मतलब तुम बड़े ऊंचाई तक उड़ सकते हो, तो इसलिए व्हाट यू बी अ मैसेंजर, व्हाट डू मीन बाय मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स जो खबरें लाके देता है दूर से किसी और दूसरे लोगों की ओर, तो यू बी अ माय मैसेंजर, मुझे खबर वगैरह खबरें लाके दो, मुझे बता दो कहाँ पे क्या हो रही है। नाउ द वल्चर इज ऑल्सो हैप्पी विद दैट, ही सेड थैंक यू मैजेस्टी। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड took an oath of loyalty to the king. The king promised to give them food and protection. तो अब जब आप लोग अगर आप भी देखते हो न्यूज़ में, अगर होता है कोई सरकार बनाता है कोई कम टू द पोजिशन, तो लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग देश की रक्षा करेंगे, हम लोग देश के हित के बारे में सोचेंगे, उनकी लोगों की भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे। तो वैसे ही ये लोग भी फॉक्स, वल्चर और लेफर्ड क्या है, ओथ लेते हैं कि हम लोग आपके लिए प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार बन के रहेंगे, आपका आपकी हर चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपकी सुख सुविधा का हम लोग ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान, आपको कोई हमारे वजह से या किसी और की वजह से आपको कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। और तो किंग उसके बदले में क्या देने वाला था, उनको फूड एंड प्रोटेक्शन, उनको खाना देने वाला था और बाकी लोगों से या जानवरों से प्रोटेक्ट करने वाला था। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग, द थ्री कोर्टियर्स नेवर ऑपोज द किंग, हिज विशेस वॉज लॉ, व्हेनेवर ही रोड दे स्टूड इन वेव, व्हेनेवर ही टुक ए वॉक दे फॉलोड हिम। यानी क्या करते थे, सब कुछ जैसे पहले सो ये किया गया था, सब कुछ चीजें अच्छे से ही कोर्ट में जा रही थी, और जो जो तीन कोर्टियर्स थे, फॉक्स, लेफर्ड और वल्चर, वो लोग कभी भी राजा का विरुद्ध कभी किसी चीज में नहीं किया, जैसे राजा कुछ कहते थे वो बात वो मान जाते थे और उसको निभा देते। और जब भी राजा एक ये रोर करता था, जैसे दहाड़ते है शेर दहाड़ते है ना, तो ये लोग सब आके सुधर खड़ा रह जाते थे, और जैसे ही वो चलने लगता उनके उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते जाते थे। When the lion king went hunting, they found the animals for him to kill. And after he had his meal, he left the remains for them. So they always had enough to eat. यानी जब भी वो शेर शिकार के लिए निकलता था, उसके पीछे पीछे वो लोग जाते थे, और जब उसको शिकार मिल जाता था वो खा लेता था, अपने हिस्से के जितना उसे खाना है खा लेता था, और बाकी का जो बचे कुचे रहते थे वो अपने इसको कोर्टियर्स को देते थे। And they used to enjoy this meal. Okay, this is what I am. Later on, I will be continuing this lesson. अभी यहीं पे हम लोग रुकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड, जितना मैंने एक्सप्लेन किया गया है कि एक राजा है, दैट इज अ लायन, वो स्ट्रांग एंड फियर्स, और उसे क्या ये रहती है कि उसको एक कोर्ट की जरूरत है, क्योंकि राजा को दरबार की बहुत जरूरत रहती है, जैसे हम लोग जिस यू ह्यूमन बींग्स डू, वी ह्यूमन बींग्स डू, ओके। तो उसको भी ऐसा लगता है कि हमें भी एक कोर्ट की जरूरत है, तो उन्होंने क्या किया, फॉक्स को, लेफर्ड को और वल्चर को अपने कोर्टियर्स बनाए। उसमें से फॉक्स क्या बना, एडवाइजर बना, लेफर्ड बना बॉडी गार्ड, और ये जो वल्चर है ये बिकम द मैसेंजर, और दे रूल द फॉरेस्ट। ये कहानी है, बाकी के कहानी हम लोग कल अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू रीड दिस लेसन वेरी नाइसली, अंडरस्टैंड इट, और आर्डवर्स जितने हैं ढूंढ के लिखने हैं, बाकी जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाएगा उसको कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके, थैंक यू।